रविवार को मथुरा के होटल हीरा रेजिडेंसी में जेसीआई युवा का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर जेसीआई युवा के तमाम सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराज जी ने माता सरस्वती के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजनकर्ताओं द्वारा जेसीआई वीक में सहभागिता करने वाले सभी युवा जेसीआई सदस्यों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जेसीआई सप्ताह का आयोजन करने का उद्देश्य लोगों में समाज सेवा की भावना पैदा करना है, ताकि लोग एकत्रित होकर संगठन बनाकर समाज सेवा कर सकें। पाऊं तो तेरे लिए ही पाऊं, ये तेरी मर्जी में जीना आ जाएगा तो सबका जीवन बन जाएगा। अभी हम लोग मेरी मर्जी में जीते हैं कि मैं कर रहा हूं, अब ये नहीं वो कर रहे हैं। दो चीजों में आप समझ लीजिए, बस जिस दिन तेरे जीवन तेरी मर्जी में आ जाओगे तो जीवन बन जाएगा। श्री हरदास, जय श्री राधे। आज जेसी महान दिवस को, जो जेसी सप्ताह का आखिरी दिवस होता है, जेसी महान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो पूरे सप्ताह भर हम लोगों ने जो सेवा कार्य किए होते हैं उसमें अपने सदस्यों के द्वारा तन मन धन से की गई सहायता को सम्मानित करने का आज का दिन होता है, और उसको हम जेसी महान दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि इससे सदस्यों में उत्साहवर्धन हो और आगे संस्था का और पब्लिक रिलेटेड कार्यक्रम में अपना सहयोग देते रहें। ताकि अंतर्गत जेसीआई मथुरा युवा ने समाज से जुड़े हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कार्य किए हैं, और इसी तरह जेसीआई मथुरा युवा आने वाले समय में भी समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कार्यरत रहेंगे। जेसीआई युवा का नेकी की दीवार का कार्यक्रम हमने पिछले साल भी आयोजित किया था, और इस साल भी उससे भी जोर शोर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज के लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद किया गया, और आने वाले सालों में भी जेसीआई मथुरा की युवा की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। धन्यवाद। जेसीआई मथुरा है, मथुरा युवा है, इसमें 7 दिनों से प्रोग्राम चल रहे थे, जिसमें एक दिन हमने वृक्षारोपण भी किया, रक्तदान दिवस भी किया, नेकी की दीवार भी चलाई, इस तरह से स्वच्छता का प्रोग्राम भी किया, एक दिन गरीबों को रोटी भी बांटी गई। ये हमारा 7 दिन का प्रोग्राम था जिसका आज समापन दिवस हुआ है। तो इसमें जिन जिन लोगों ने सहभागिता निभाई, हमारे परिवार के जो सदस्य थे, उन सबको अवार्ड दिया गया है और सबका सम्मान किया गया है।